हेलो गाइस, आई एम अभिनव त्रिपाठी एंड आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो काफ़ी लोगों को इंटरफेस करने को यहाँ पर मिल रहा है। जैसे मैं अपना व्हाट्सअप ओपन करता हूँ और यहाँ पर एक मुझे मैसेज आया हुआ, इस मैसेज को जैसे मैं ओपन करने के लिए जा रहा हूँ तो यहाँ से बैक हो जा रहा है, तो काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इस मैसेज पर मैंने क्लिक किया ये ऑटोमेटिकली जो व्हाट्सअप है वो बैक हो गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा ये प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगा और ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो अभी बताता हूँ प्रॉब्लम आप लोगों को क्यों आया है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर पे कोई मैसेज में सेंड करता हूँ और आपको मैं दोनों तरफ स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आप लोगों के साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उस नंबर पे जो है मैसेज कर दे रहा हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इस नंबर पे आपको मैं सेंड करके मैसेज दिखा रहा हूँ और उस स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, वहाँ पर ओपन करके आप लोग देख पाएंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली बैक हो जा रहा है। तो wa.me एंड यहाँ पर स्लैश आपको लगाना है और यहाँ पर लिखना है सेटिंग। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स कर दो, यहाँ पर मैसेज इसको सेंड कर देते हो तो देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये बैक हो गया। अभी मैं इसको ओपन करने के लिए जाऊँगा तो यहाँ से भी ओपन नहीं होगा, देख सकते हैं व्हाट्सअप ऑटोमेटिकली बैक हो गया है। तो मैं दोबारा से व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जहाँ पर मैंने मैसेज को सेंड किया उस व्हाट्सअप को भी मैं ओपन करता हूँ। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आया हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली जो है बैक हो गया, देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली बैक हो गया। तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो आप लोग लिंक देख रहे हैं wa.me उसके अंदर स्लैश लगाकर सेटिंग्स, अगर कोई आपको इस तरह का मैसेज सेंड कर दे रहा है तो यही प्रॉब्लम आप लोगों के पास आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे इसने इस तरह का मैसेज सेंड किया और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली बैक हो जा रहा है। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप के द्वारा फिक्स कर दिया जाएगा। आपके व्हाट्सअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था, उसमें कोई मैसेज था, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज था, अगर कोई इस तरह का मैसेज कर देता है तो आप लोग उसके व्हाट्सएप को ओपन नहीं कर पाओगे। इसके लिए कोई भी सलूशन अगर मिलता है मुझे तो उस पर मैं वीडियोस बना दूंगा, आप लोग उसको देख पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरा वही होने वाला है। अगर इस पर कोई भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है इस टॉपिक पर तो उस पर मैं जल्द से जल्द वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।